नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। एमपी में यदि आप मंत्री के साथ सेल्फी लेने के शौकीन हैं, तो जेब में 10 रुपए का नोट जरूर रखें। एमपी सरकार के कुछ मंत्रियों ने तय किया है कि वे सेल्फी लेने वालों से 10 रुपए लेंगे और इस पैसे को समाज सेवा के काम में लगाएंगे। ये घोषणा शुरू एक मंत्री ने की थी, लेकिन कुछ और मंत्रियों ने भी इसे अपनाने का ऐलान कर दिया। ब्रिटेन की महारानी से हाथ मिलाने के बदले 1 लाख रुपए देने वाले मध्य प्रदेश के खाद्य मंत्री विजय शाह और उनके मंत्रिमंडल के कुछ अन्य सदस्य सेल्फी खिंचवाने वालों से 10-10 रुपए वसूलेंगे। स्वराज के मंत्री विजय शाह ने जैसे ही अपनी राय जाहिर की, कुछ और मंत्री भी उनके साथ हो गए और मंत्री विजय शाह के इस बयान के बाद राज्य की विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। और अब बात करते हैं इंदौर की, जहां पे एक युवक ने 4 साल के बेटे को जहर देकर खुद भी खा लिया। दोनों को एमवाई अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। युवक की पत्नी कुछ समय पहले से छोड़कर चली गई थी, जिसकी वजह से युवक ने यह कदम उठाया। संयोगितागंज पुलिस के मुताबिक दुर्गा नगर में रहने वाले सागर ने 4 साल के बेटे संयम के साथ जहर खा लिया। तबीयत बिगड़ने पर लोग उन्हें लेकर एमवाई अस्पताल पहुंचे। बेटे को आईसीयू में रखा गया है। और नगर निगम के आयुक्त और मध्य प्रदेश कैडर के 2009 बैच के आईएएस अधिकारी तेजस्वी एस नायक के खिलाफ शुक्रवार को विधायकों ने मोर्चा खोल दिया। स्मार्ट सिटी को लेकर गुरुवार को बुलाई गई बैठक में नहीं आने पर भोपाल के विधायकों ने पहले इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया, फिर सत्र स्थगित होने के बाद विधायक विश्वास सारंग ने नायक के खिलाफ विशेष अधिकार हनन की सूचना दी। शीर्ष सत्र में ही इस पर चर्चा हो सकती है। साफ है कि नायक पद से हटाए जा सकते हैं। प्रदेश का यह पहला मामला है जब किसी आयुक्त के खिलाफ विशेष अधिकार हनन की सूचना दी गई। लोकायुक्त संगठन भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने वाली प्रदेश की सबसे बड़ी एजेंसी है। 5 साल में संगठन ने 1430 सरकारी मुलाजिमों को रिश्वत लेते दबोचा। भ्रष्टाचार उजागर करने की इस कार्रवाई में इनके 1,60,00,000 रुपए सरकारी सिस्टम में ट्रैप होकर रह गए हैं। वजह यह है कि भ्रष्ट मुलाजिमों को जाल में फंसाने के लिए लोकायुक्त पुलिस के पास कोई फंड नहीं है। आम आदमी की रकम में ट्रैप की कार्रवाई होती है, जबकि सीबीआई और दूसरे राज्यों की एजेंसियों के पास इसके लिए बजट होता है। राजधानी समेत प्रदेश के 7 शहरों में स्मार्ट सिटी के प्रस्ताव तैयार हो गए हैं। इन शहरों में कुल 4,127 एकड़ जमीन पर 7,558 करोड़ रुपए की लागत से स्मार्ट सिटीज का निर्माण किया जाएगा। शुक्रवार को इन प्रस्तावों को मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य उच्च स्तरीय संचालन समिति ने हरी झंडी दे दी। खास बात यह है कि सभी शहरों में रीडेवलपमेंट के जरिए पैसा कमाकर पूरे शहर को 2 से 3 सेवाओं को सुधारा जाएगा। अगले 10 साल की वित्तीय स्थिति के हिसाब से प्लानिंग की गई थी। इनमें सफाई, ट्रैफिक, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सिटी गवर्नेंस आदि के प्रोजेक्ट लिए गए हैं। व्यापार मेले के उद्घाटन में 1 हफ्ते से कम का समय रह गया है, लेकिन जिस गति से मैदान में दुकानें लगनी चाहिए वह कवायद होती नहीं दिखाई दे रही है। इसके बाद भी अफसरों ने दावा किया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल से जुड़ी कई कंपनियां तय समय में अपना पंडाल लगा लेंगी। ग्वालियर संभाग के कमिश्नर के खरे ने 4 दर्जन से ज्यादा कंपनियों के नाम भी गिना दिए। विज्ञान जीवन को सरल बनाने का बेहतर तरीका है, लेकिन इस क्षेत्र में हिंदी भाषा में शोध कम हुए हैं। यही वजह है कि आज भी विज्ञान आम आदमी की पहुंच से दूर है। यह हमारा ही दायित्व है कि हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी को सरल माध्यम में लोगों तक पहुंचाएं। हमारे यहाँ आज भी विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी के अच्छे शोध का अभाव है। ऐसे में यदि अंग्रेजी जनरल का हिंदी में अनुवाद कर उपलब्ध करवाया जाए तो बेहतर होगा। इसे शोध करने वालों को भी सपोर्ट मिलेगा। ये बात की स्पीकर मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल के महानिदेशक प्रमोद कुमार वर्मा ने कही। वे 2 दिवसीय राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। पिछले 2 दिन से छाए बादल छटते ही तापमान में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान एक दिन में ही 7 डिग्री लुढ़क कर 11 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस था। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में हुई बर्फबारी का असर भी प्रदेश के मौसम पर पड़ा है। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर में सक्रिय कम दबाव का क्षेत्र अब कमजोर पड़ रहा है। इसी कारण पिछले 2 दिन से शहर में बादल छाए हुए हैं। बादल छटते ही हवा का रुख बदल गया है और उत्तरी हवाएं चलने लगी हैं। सूर्य के धनु राशि में प्रवेश के साथ ही 16 दिसंबर से मलमास लगेगा। इसके साथ ही विवाह, मुंडन, उपनयन संस्कार, गृह प्रवेश सहित विभिन्न मांगलिक कार्यों पर विराम लगेगा। पंचांगों के अनुसार अब 3 दिन और शहनाई बजेगी और विवाह के सिर्फ 3 मुहूर्त शेष बचे हैं। इसके बाद सीधे अगले साल विवाह के 28 मुहूर्त हैं। 1 दशक पहले बंद हो चुकी देवास की सबसे पुरानी और बड़ी कपड़ा मिल फिर शुरू होने जा रही है। टैक्स चोरी के प्रकरणों में उलझकर बंद हुई देवास फैब्रिक्स को दिल्ली से बड़ी राहत मिली है। कस्टम एक्साइज एपीलेट ट्रिब्यूनल ने जुर्माना और ड्यूटी के नोटिसों को गलत करार दे दिया। फैसले के बाद कंपनी के पूर्व प्रबंधन ने यूनिट को फिर से शुरू करने की घोषणा कर दी है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। EMS TV की बाकी खबरें आप EMS TV की वेबसाइट के साथ साथ हमारे ऐप्स पर देख सकते हैं।
इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।